नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। उपस्थित हूँ आपके बीच रात्रि की कुछ खास खबरों संग। खबर की शुरुआत करें इससे पहले खबर सुर्खियों की। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने यह जानकारी ट्वीट करके दी है और उन्होंने कहा है कि मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोग अपना कोरोना टेस्ट करा लें। तो ये थी अब तक की बड़ी खबर और अब नज़र डालते हैं खबर यूपी के बदायूं से। भाजपा कार्यकर्ताओं ने की है समीक्षा बैठक। जी हाँ, ये खबर है यूपी के बदायूं जिला के ग्राम बड़नौमी में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा 16 सेक्टरों के पदाधिकारियों की बैठक, जिसमें प्रत्येक सेक्टर पर बैठक कर घर घर जाकर सरकार की योजनाओं को बताना एवं कार्यकर्ताओं की हर समस्या का समाधान करना, उच्च पदाधिकारियों को अवगत कराना ताकि हर समस्या का समाधान किया जा सके। इस मौके पर भाजपा किसान युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ललितेश ठाकुर, भाजपा कार्यकर्ता आदि लोग मौजूद रहे। देखे बिलसी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। मैं लोकेश राठौर, बिलसी से एरिया इंचार्ज, और यहाँ पर ये बदायूं जिले के बिलसी तहसील में ग्राम बंडौली में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ समिति की बैठक रखी गई है। आइए इन लोगों से बात करते हैं। हमारे लिए यहाँ बूथ के सत्यापन के लिए बूथ का सत्यापन करना था। हमने अपने सभी 16 सेक्टर सहयोगों को बुलाया है, इन्हें हर बूथ तक जाना है, हर बूथ पर इन्हें बैठक करनी है, हर परिवार में बूथ अध्यक्ष और हमारे बूथ प्रभारी और सेक्टर संयोजक जी जाकर हर बूथ के उनकी कमेटी का 21 की कमेटी होती है उसका जायजा लेना है, उनके ग्रुप बनाने हैं, इसलिए हमने मीटिंग रखी है। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम राकेश कुमार, मंडल महामंत्री हुए थे। ये जो बैठक हो रही है बूथ के सत्यापन के संबंध में हो रही है, और इसे जो है सभी सेक्टर सहयोग जो है बूथ स्तर पर जाकर के उनका सत्यापन कार्य करेंगे, और इसी के लिए हमें आगे से अगली खबर यूपी के एटा जिले से है, जहां छेड़छाड़ की घटना में घायल हुई नाबालिग ने तोड़ा दम। जी ये बड़ी खबर आ रही है, दर्दनाक खबर है। यूपी के एटा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के नया गांव क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात एक नाबालिग लड़की से एक लड़के ने छेड़खानी की, जिससे घबराकर भागी लड़की गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी और देर रात उसने दम तोड़ दिया। 14 साल की एक बालिका मोहल्ले में हो रहे महिला संगीत में गई थी, जहां से लौटते समय मोहित नाम के आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। जब वह बचकर भागी तो गिर गई, गिरने से लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई और देर रात उसने दम तोड़ दिया। लड़की के बाबा ने थाना नया गांव में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आरोपी मोहित को पकड़ लिया गया है। देखे एटा से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। नया गांव पुलिस द्वारा करीब आरोपी गिरफ्तार किया गया, क्या करोगे? थाना नया गांव क्षेत्र में एक आरोपी मोहित नाम के व्यक्ति द्वारा अपने गांव की ही एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ की घटना घर में घुसकर करते समय उसके द्वारा भाग के हाथ छुड़ा के जाने लगी, तो अचानक उसके गिरने से चोट आई और बाद में उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना नया गांव के 452 304 IPC का मुकदमा आरोपी मोहित के विरुद्ध दर्ज किया गया। आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपना जुर्म जो कबूल किया है उसको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं, जहां से उसको जेल भेजा जा रहा है। आपका राम किशोर जी, क्या घटना हुई है? ये हमारी नातिन थी, मोहल्ले में फंक्शन था, इनका डस्ट होन था, एक बच्चा पैदा हुआ था, उसमें तो वहाँ ढोलक बज रही थी, तो ढोलक में सब औरतें भीड़ भाड़ थी, उसमें फंक्शन में सब गई थी। ये लड़की घर में से जैसे ही निकली है तैसे ही ये लड़का मोहित नाम का लड़का है,
तो वो बगल में दीवार के आड़ में खड़ा था, नमालों के दर से आया, इसने लड़की की बेइज्जती करने की पूरी प्रयास किया, बेइज्जती करने की पूरी प्रयास किया, तो वो लड़की होपलेस होके छुटके इसके हाथ से छुटके और वो वहाँ से भागी, तो ईंटें पड़ी थी और RCC है मेरे गेट के पास में, तो ईंटों पर गिरी और RCC से पटक लगी। पटक लगने के बाद औरतें उठी, भाग के उस लड़की को उठा के खड़ा किया, पूछा तो उसने कहा ये मोहित है मोहल्ला का लड़का, इसने हमारी छेड़खानी करने की पूरी कोशिश की, इसलिए होपलेस हुई ज़्यादा, ये कहानी हुई था। फिर क्या हुआ इसके बाद? फिर उसके बाद ये हुआ कि लड़की को हमने पूछी, पूछने के बाद जब हमने लड़की को पूछा तो उस लड़के को देखा कि वो भाग रहा था, तो हम लोग भाग के पीछे पड़े, तो उस लड़के ने धमकी लगाई, कट्टा खींचा और जो कि हम गोली मार देंगे तुम्हारा, तो वो गोली के डर के वजह से हम लोग पीछे आए, भागे आए। उसके घर पर जब शिकायत करने गए तो उसके माँ बाप हैं तो हमसे दौड़ पड़े और ये कह रहे कि मेरा लड़का सही है, तुम हमारे लड़के को इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये कहा। तो हम वहाँ से चले आए, आने के बाद लड़की को लेके हम थाने रिपोर्ट करने गए। रिपोर्ट में जाके मैंने लिखाई, ये बात लिखाई कि साहब ऐसे ऐसे लड़की घर से निकल रही थी तो इन्होंने उसके देखिए छेड़खानी करने की पूरी कोशिश की, लड़की घर से भागी तो उसके चोट लग गई या ना लगी क्या हुआ है, वहीं से होपलेस हो गई। जब हम थाने पहुँचे तो थाने में जाके लड़की के बयान लेने से पहले लड़की के वहाँ पहुँची तो उसमें उसे उल्टी हुई वहाँ जाके, जब उल्टी हुई तो दरोगा जी ने ये कहा कि ऐसा करो इसे पानी पिलाओ, पहले ये सफाई करो उसके बाद बात करेंगे। हमने उसे पानी पिलाया, उस जगह की सफाई की और सफाई करने के बाद जब लड़की को हमने उठाया तो उसने कही हमें लेटरिंग लगी, तो उसके कपड़ों में लेटरिंग हो गई एकदम अचानक, उसमें ना मालूम क्या हुआ उसके मुँह से झाग आया और लड़की बेहोश होने लगी। वहाँ नहीं ख़त्म भई, वहाँ तो बेहोश हो गई, तो उन्हें दुर्गा जी ने ये कहा कि इसे ले जाओ हमारे से, ये रसीद ले जाओ कागज़ और इसे अलीगंज दवाई कराओ जाए पहले सरकारी अस्पताल में लेके जाओ। हम वहाँ से लेके चले तो करीब 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर निकल पाए, इस लड़की ही ने सांस तोड़ी। पुलिस में सूचना दे दी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना साफ दे दी, रिपोर्ट लिखाया जाए। अगली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से है, जहां नागपंचमी के अवसर पर भगवान नाग मंदिर का पूजन अर्चन हुई है। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के खाचरोद थाना अंतर्गत ग्राम नापाखेड़ी में सावन महीना में नागपंचमी के पावन अवसर पर गांव के श्रद्धालु पूजन करने एवं दुग्ध चढ़ाने नाग मंदिर पर आए एवं मन की मुराद पूरी करने के लिए भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना की, सुख शांति प्रदान करे। जानकारी देते हुए राहुल गोस्वामी मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह से शाम तक मंदिर में भीड़ रहती है तथा लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं। देखें नापाखेड़ी से मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और आज काफी भीड़ थी यहाँ पर और पूरा दिन रही है। ब्लॉक स्तर पर हो रहे हैं फार्म जमा। जी हाँ, यूपी के औरैया जिले के अजीत मल थाना क्षेत्र के ब्लॉक में ऐसे लोगों की कागजात जमा किए जा रहे हैं जिन लोगों के किसान सम्मान निधि के पैसे उनके बैंक अकाउंट में किसी कारण नहीं पहुंचते हैं। तो हमारे प्रतिनिधि ने जाकर वहां का निरीक्षण किया और इस कार्य को देख रहे नितिन से बातचीत की, तो नितिन ने बताया कि जो लोग हमें कार्यालय समय में आधार कार्ड और बैंक पासबुक दे करके फॉर्म भरते हैं तो उन लोगों का किसान सम्मान निधि का पैसा उनके खाते में भेज दिया जाता है। यह फॉर्म जमा करने का कार्य सोशल डिस्टेंसिंग और हर व्यक्ति अपने मुँह पर फेस कवर का प्रयोग तथा सैनिटाइजर का भली भांति प्रयोग करते हुए कर रहे हैं। देखिए अजीत मल से अखिलेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। मैं सुबह यूपी ब्लॉक में खड़ा हूँ, यहाँ पर किसानों का बीज वितरण किया जा रहा है, यहाँ किसान भाई खड़े हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या लेने आए हैं, आपका नाम? राजेश कुमार। क्या लेने आए, कितने बीघा खेत में बोएंगे? अच्छा, आपका नाम सर? क्या लेने आए?
स्प्रे मशीन लेने आया। हाँ सर, आपके यहाँ क्या चल रहा है? मेरा किसान आ रहा है, दिखा रहा है, अच्छा, और कौन सी बीज हो रहा है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? हाँ, बीज है और दे जिप्सम है, मूंग है, बस अरहर। अच्छा जी, मैं किसानों से बात कर रहा हूँ, सर से ही बात की, उन्होंने बताया हमारे यहाँ मूंग भी है और भी है और बाजरा भी है। आपका नाम? अजय कुमार। अजय कुमार, कहाँ रहते हैं? क्या लेने आया? ये हमारे यहाँ किसान भाई आए हुए हैं, ये सभी लोग बीज लेने के लिए आए हैं। मैं अखिलेश कुमार पांडे, 5000 से। अगली खबर यूपी के बरेली जिले से आ रही है, जहां अनियंत्रित बस ने मारी है टक्कर, पत्नी की मौत, पति और बेटी घायल। जी हां, ये बड़ी खबर है, दर्दनाक खबर। यूपी के बरेली जिला के फतेहगंज पश्चिमी थाना के गांव ठिरिया खेतत के निवासी अफसर अली हुसन बानो और बेटी साबरी पैदल गांव से राजश्री मेडिकल कॉलेज दवा लेने जा रहे थे, तभी गाँव के पास ही पीछे से आ रही अनियंत्रित बस ने टक्कर मार दी। तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। रास्ते में हुसन बानो ने दम तोड़ दिया। अफसर अली और सबरी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देखें बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। वसीम, कैसे घटना हुई, कहाँ जा रहे सर? घर से मतलब निकले थे दवा लेने के लिए, राष्ट्रीय हॉस्पिटल हमारे करीब 1 किलोमीटर करीब पड़ता है वो, तो सर पैदल के लिए निकल रहे थे, वो अपनी साइड में भी थे, तो साइड में मतलब कच्चे से काफ़ी 1 मीटर पीछे और भी थे, तो बस वाले ने तो पीछे से आया, वो रोड की बजाय वो कच्चे में देख के चला गया वो, तो रोड में तो सर पीछे से उन्होंने मतलब लगाया, पीछे से ठोंका था उसने, तो फिर हम वहाँ पहुँचे तो मतलब चाचा की हमारे और बहन की और ताई की हालत बहुत गंभीर थी वहाँ, तो वहाँ देखा हमने, लोगों ने पूरा परिवार गया सर वहाँ हमारा, तो फिर मतलब उस राजश्री उन्हें भी लेके गए, राजश्री में भी मतलब मना कर दिया था, फिर फतेह ने लेकर आया, फतेह में मना कर दिया, फिर हम यहाँ लेकर आए उनको, तो ताई तो वो नॉर्मल मतलब चाचा और बहन सिस्टर थी हमारी, उसकी नॉर्मली चोट लगी थी, और जो ताई थी हमारी वो रास्ते में मतलब वहाँ भी मतलब नब्ज चल रही थी, रास्ते में भी नॉर्मली मतलब हॉस्पिटल आते आते मतलब एक्सपायर हो गई थी वो। जी सर, करते सर मजदूरी करते हैं, गाड़ी पकड़ गई सर। घटना खेटल गोंटिया, गोंटिया के पास में ये। दवाई किसकी लेने जा रहे थे? अपनी लेने जा रही थी वो, बहुत जी। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक, जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग, कहीं न जाएं क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।